असलम कैसे हैं आप सब मेरे पास है आज यहाँ पे वीकेंड और मैं ये जो क्लिप आपके साथ शेयर किया मैंने वेदर का ये लास्ट वीक ट्यूसडे वनसडे का है तो यहाँ पे जी वापस से फिर जो है ना वो माइनस पे चला गया था ट्यूसडे को तो यहाँ पे तकरीबन फाइव सिक्स जो है ना वो माइनस गया था तो स्नो भी हुई थी यहाँ पे वापस से लेकिन आज वीकेंड पे जो है ना धूप काफ़ी अच्छी निकली थी यहाँ पे जो स्नो हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो चुकी है तो बच्चे जब मंडे को स्कूल में गए थे तो घर आके उन्होंने मैसेज दिया कि हमारी टीचर्स ने हमें कहा है कि आप जो है ना वो नेक्स्ट डे अपने जो है ना वो जो गर्म कपड़े हैं स्पेशली स्नो वाले वो अपने वेयर करने हैं क्योंकि आउटसाइड जब प्ले करेंगे तो माइनस होगा तो फिर इनको सर्दी लग सकती है और जैसे कि बच्चे लास्ट वीक जीन्स में जा रहे थे टी शर्ट या शर्ट पहनी हुई थी सिंपल या हुडी वगैरह पतली सी तो वो उन्होंने मना किया था क्योंकि माइनस पे जाना था तो फिर यह है कि बच्चे जो है ना काफ़ी ज़्यादा कुछ तो स्नो ड्रेस पहन के आए थे साथ उन्होंने ग्लव्स टोपियाँ सब जो है ना वो वेयर की थी तो मैंने भी अपने बच्चों को जो है वो गर्म कपड़े पहना के भेजे थे क्योंकि यहाँ पे वेदर का कुछ पता चलता नहीं है हमें उम्मीद नहीं थी कि अप्रैल के इस टाइम के ऊपर भी माइनस जाएगा और स्नो होगी जो कि हुई भी है और माइनस फाइव सिक्स पे गया यहाँ पे तब इतनी ज़्यादा यहाँ पे विंड थी कि फील लाइक आपको जो है ना वो टेन इलेवन वो हो रहा था यहाँ पे माइनस तो बच्चों को जब स्कूल छोड़ के आई हूँ तो घर में फिर मैंने सोचा कि आज मैं ना जो है ना आलू वाले पराठे बनाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी पहले सोचा कि आज जो है ना वो मैं कड़ी बनाती हूँ लेकिन योगर्ट कुछ मुझे ठीक नहीं लगी थी खट्टी तो वो थी पहले एक दो दिन पहले मैंने चेक की थी लेकिन उसका मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा जैसे वो ख़राब हो गई हो या पता नहीं कुछ ऐसे था तो मैंने कहा चले ऐसा ही है कि फिर मैं जो है ना वो आज मॉर्निंग में पराठे बनाती हूँ तो वो खा लेंगे वो फिर काम वगैरह कंप्लीट करने के बाद ये था नेक्स्ट डे का क्लिप जो कि मैं हम लोग इधर सेफ वे में आए थे केक चाहिए था मुझे एक तो बच्चे तो बस दूर से देखते हैं ना जब ऐसा डिपार्टमेंट कि आपको बच्चों को अपनी मर्जी की चीज़ नज़र आए तो रुकते नहीं हैं तो ये जो केक आप देख रहे हैं ये किसी का ऑर्डर पे बना हुआ था किसी बच्चे का था बॉयज़ के लिए तो इसके ऊपर जो है ना वो एक ट्रेन रखी थी तो बच्चों ने बस ज़िद लगा दी कि जी हमें यही केक चाहिए हमने यही लेके जाना तो हमने उन्हें समझाया कि एक तो ये किसी का जो है ना वो ऑर्डर पे बना हुआ है दूसरा हमें ये चाहिए नहीं तो जब आप में से किसी की बर्थडे होगी तो लेके जाएंगे तो फिर जैसे तैसे भी हुआ अपनी मर्जी का जो भी केक लेना था वो लिया फिर इनको घर ले आए मूड बच्चों के ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी के हमारी इन्होंने बात नहीं सुनी है लेकिन हर बात मानने वाली भी नहीं होती बच्चों की तो घर में जब आई हूँ तो मेरे आज कुछ गेस्ट आने थे तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो बिरयानी बना लेती हूँ कुछ लोगों को काफ़ी मुश्किल लगती है कि इसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है बिरयानी का लेकिन मुझे अब इतनी ज़्यादा बनाते हैं ना कि वीक में एक दफ़ा तो बनानी पड़ती है क्योंकि बच्चे भी आराम से खा लेते हैं तो इतनी मुश्किल नहीं लगती मुझे तो घर में जो पड़ा हुआ था चिकन एक तो इसके अंदर थे लेग पीस साथ जो है इसके साथ था वो जो थाई के पीस थे तो मैंने इनके ऊपर से स्किन जो है वो हटा दी थी क्योंकि स्किन वाले अगर बनाऊँ तो वो मैं एयरफ्रायर में बनाती हूँ मसाला लगा के ये मुझे बिरयानी के लिए चाहिए थे तो मैंने फिर इनके ऊपर से स्किन जो है ना वो रिमूव कर दी थी मैंने कहा चले ऐसे ही चिकन जो है ना इसके अंदर अच्छा लगेगा बस ऐसे ही मसाला अच्छा सा भून लिया भूनने के बाद फिर मैंने इसकी तह लगाई दो तीन तह लगाई मैंने इसकी अगर सिर्फ जैसे हम लोग बच्चे हैं या फैमिली है छोटी सी तो अगर घर में लिए घर के लिए बनानी हो बिरयानी तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ ऐसे मसाला बना के चिकन है या मटन है या बीफ है उसका तो मैं चावलों की एक ही लेयर लगा देती हूँ लेकिन ये था कि ज़रा ज़्यादा मैंने बनाई थी तो फिर मुझे जो है ना वो मैंने कहा मैं तेल वाली बनाती हूँ तय लगाती हूँ इसकी तो बस वेदर की वजह से लास्ट वीक में जैसे कि जो वीक ख़त्म चु हो चुकी है उसमें तो काफ़ी प्रॉब्लम थी सर्दी भी थी तो ये था कि काम तो कोई रुकते नहीं है जैसा भी वेदर हो यहाँ पे लेकिन एकदम से जैसे वेदर चेंज हुआ है तो बच्चों को जो है ना काफ़ी जो है फ्लू हो चुका है थोड़ी थोड़ी खांसी भी है और मेरा अपना गला भी थोड़ा सा जो है न वो पेन करता है तो यहाँ पे जिससे भी बल्कि सुनो यही वायरस है जी गला ख़राब है या फिर बुखार हो रहा है या फिर आपको फ़्लू लगा हुआ है हालांकि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है लेकिन चेंज होने के बाद जब सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी होती है तो फिर ये चीज़ें जो है ना आपकी सेहत को ख़राब करती हैं तो यहाँ देखें चिकन जो है वो काफ़ी अच्छी बनी थी मैंने इसके अंदर स्पाइस काफ़ी अच्छे रखे थे कि ये नहीं है कि फीकी सी हो बहुत सारे प्याज लेके मैंने इसका मसाला बनाया था तो बच्चों को खुशबू आ रही थी भूख लगी हुई थी उनको एक तो उनका वो केक पे ध्यान था दूसरा ये कि बिरयानी को भी टाइम था तो मैंने कहा चले मैं इसकी तय लगा के ना तो बच्चों को भी कुछ बना देती हूँ वो फिर थोड़ा सा फ्रूट मेरे पास पड़ा था पहले का तो मैंने कहा चले उसकी फ्रूट चाट बना के ना बच्चों को तो वो खिला दी जाए ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और यह कि थोड़ा टाइम मेरा गुजर जाएगा तो किचन में सारी क्लीनिंग करने के बाद यहाँ पे फिर बस मैंने थोड़ी सी बच्चों के लिए चाट बनाई थी बस ऐसे ही ये वीक में वेदर ने तंग किया उसके बाद फिर वीकेंड तो बहुत अच्छा था वीकेंड का कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास वो इन आप लोगों के साथ नेक्स्ट जो है वो शेयर करेंगे आज के लिए बस इतना सारा व्लाक ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और यहाँ पे मेरी होगी चाट डन थोड़ी सी मैंने क्रीम डाली थी अल्लाह हाफिज़